गुड मॉर्निंग यू गाइस, इट्स अनदर डे और आज की सुबह शुरू हुई है बहुत ज्यादा वापस सफाई से। आई नो आपको लगता होगा मैं रोज सफाई करती रहती हूँ, बट हाँ मैं एक एक रूम करके सफाई कर रही हूँ। और आज की सफाई इसलिए कि मैंने नहा धो सब लिया है और सो आई टुक शावर एंड एवरीथिंग। तो आज की सफाई का अभियान ये है कि आई जस्ट टुक शावर एंड एवरीथिंग गॉट रेडी और अब मैं जा रही हूँ अपना पूजा का जो मंदिर है मेरा, पूजा घर तो नहीं कह सकते पर पूजा जो मंदिर है वो आज मैं साफ करूँगी। तो आई जस्ट टुक शावर फॉर दैट, सो मैं आपको लेके चलती हूँ। एक्चुअली पता है क्या, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी पूजा घर मुझे साफ करना है, पूजा का जो यू नो जगह है वो साफ करनी, बट एवरी डे कुछ ना कुछ होता, कभी शूट होता था, कभी एडिटिंग कुछ होता रहता है। सो मैंने सोचा नहीं, आज द फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट आई एम गोना बी क्लीनिंग माय मंदिर, सो मैं आपको लेके चलती हूँ। ये है मेरा मंदिर जो बहुत ही गंदी स्थिति में है, मैं आपको दिखा दूँ। और ये मैं साफ करूँगी क्योंकि मुझे साफ करना है ये। एक्चुअली वाइट लेकर मैंने गलती करी कि वाइट बहुत जल्दी गंदा होता है और डस्ट मेरे घर में इतनी आती है, थोक के भाव में मेरी डस्ट आती है। सो ये देखिए, ये जो नीचे है जिसमें डस्ट नहीं है तो वो पूरा वाइट है और ये पूरा ब्लैक है। तो मैं इसको साफ करती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं कैसे करूँगी। जी से बात हो गई, गणपति जी से बात हो गई, मैंने बोला कि आपका सामान थोड़ा मैं धुलने में डाल रही हूँ एंड मंदिर इज ऑल्सो सूख रहा है, तो मैंने कहा आज एक दिन के लिए आप एडजस्ट कर लो, जैसे सूख जाता है मंदिर मैं वापस करूँगी, वापस आपको वहाँ पे बैठा दूँगी। तो एक दिन के लिए बस थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगी, सो उन्होंने बोला हाँ ठीक है एक दिन ही कैन मैनेज। सो दैट इज़ दैट्स ऑफ मेरा हो गया है क्लीनिंग मंदिर का कम्प्लीट। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, पता नहीं क्यों, आप मुझे सही बताना कि सही है या गलत है, आप प्लीज़ मुझे बताना। तो मंदिर आपने देखा कैसा था, राइट? आपने देखा मंदिर, मैं आपको दिखाती हूँ अभी मैंने कैसे किया, पास से दिखाती हूँ पूरा मंदिर का अभी। ये जो जबकि ये कपड़ा भी मैंने टेम्परेरी रखा है, जो भी मेरे पास था मैंने वो सामान रख दिया है एंड ऑल दैट। पता नहीं क्यों मुझे इसमें गणपति जी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ज़्यादा अपनी तरफ बुला रहे हैं, ज़्यादा यू नो आप पूजा करने का आपका ज़्यादा मन कर रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। राधा देन कीपिंग अ मंदिर, तो मुझे लगा था मैं इनका बड़ा सा ऊपर सिंहासन ला देती हूँ उनको, मतलब ऑब्वियसली इनके कपड़े वपड़े और माला जो भी थी वो अभी धुलने में है, बट मैंने सोचा कि अगर मैं इनको ऐसे रखूँ तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है मुझे, काफ़ी इसमें मतलब गणपति जी अच्छे लग रहे हैं इसमें। आप मुझे बताना, मुझे आई एम कन्फ्यूज, मैं अपनी मम्मी को भी पूछूंगी बट आप लोग भी मुझे बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आई एम लाइकिंग हिम लाइक दिस मोर रादर देन जस्ट कीपिंग। मुझे लगता है कि मंदिर में इनको बहुत बंद बंद करके रखती हूँ, इसलिए आप प्लीज़ मुझे बताना। मंदिर की क्लीनिंग के बाद अब है टाइम, आपको पता होगा किस चीज़ का टाइम है, आप लोग मुझे बताओ, थोड़ा सा पता चले कि आप लोग मुझे अभी जानते हो कि नहीं। तो अभी टाइम है एक अच्छी सी कॉफ़ी पीने का, कॉफ़ी के बाद मैं लग जाऊंगी अपने काम में क्योंकि काम सुबह से आज कुछ किया नहीं है इन टर्म्स ऑफ माय एडिटिंग एंड वर्क रिलेटेड जो काम होता है वो। दो तीन डिलीवरीज भेजनी है मुझे आज, तो मैं उसके लिए बैठ जाती हूँ। और गर्मी शुरू हो गई है यार बॉम्बे में बहुत तेज़, सो दैट इज़ दैट। पर आज मैं ये काम को कब से मेरा पेंडिंग चल रहा था, कब से लाइक आई वॉज प्लानिंग दैट आई वॉन्ट डू एंड आई वॉज नॉट एबल टू फॉर सम रीज़न एंड आई वॉज लाइकिंग दिस थिंग अबाउट माई सेल्फ। सो ये हो गया, कैमरा सीधा कर लो। सो अब मैं जाती हूँ कॉफ़ी बनाने, और कॉफ़ी बनाने के बाद वो वापस मिलती हूँ, थोड़ा शक्ल भी ठीक कर लूँ, इट्स लाइक ऑल स्वेटिंग एंड लॉट ऑफ डार्क सर्कल्स। मैं एक रात बराबर नहीं सोना, डार्क सर्कल्स। तो दोस्तों आपने, मैंने याद है आपको एक बार बोला था अभी दो तीन दिन पहले कि एक फाउंडेशन है जो जिसका लुक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे आपके साथ शेयर करना है,
मैं आपको बताऊंगी। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था डिटेल्स अबाउट द फाउंडेशन, तो एक्चुअली मैं भूल गई थी, तो फिर मुझे उनके कॉमेंट से याद आया, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये फ्लिका इज़ द ब्रांड, ये ब्रांड है फ्लिका, जिन्होंने मुझे एक्चुअली मुझे पीआर में आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, ये इसमें था ये फाउंडेशन। फ्लिका है इन द शेड 04 सैंड, और इन लोगों ने मुझे प्रोडक्ट भेजे थे, एक लिप कलर भेजा था एंड द फाउंडेशन एवरीथिंग, दे वांटेड मी टू क्रिएट अ लुक एंड एवरीथिंग, तो मैंने क्रिएट किया था एंड फिर मैंने वो फाउंडेशन पूरा दिन लगाया था, फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा पहली बार, और उसके बाद मैंने दो तीन दिन बाद वापस लगाया, बिकॉज एक्चुअली वो ऊपर था, तो मुझे लगा लेट मी जस्ट ट्राई दिस अगैन। और फिर दो तीन बार जब मैंने लगाया तो मुझे इतना अच्छा लगा, उसका स्टेइंग पावर बहुत अच्छा है फ्लिका का। जो जितने भी कमेंट्स आए थे उनको रिप्लाई बैक करी थी, और फिर मैंने आपके फाउंडेशन के बारे में बता दिया। और अब ये सीन है कि मुझे थोड़ा सा एडिट और करना है, और शायद आई हैव टू स्टेप आउट टुडे, तो अभी कंफर्म नहीं, अगर होगा तो जाना होगा, नहीं होगा तो नहीं। सो वो करने के बाद, थोड़ा काम और कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे वापस मिलती हूँ। सो क्विक अपडेट यू गाइज, मुझे अभी जाना पड़ रहा है, हर्ष ने मुझे बुलाया है, वी हैव टू बाय एक्चुअली अ एसी फॉर माय मॉम इन लॉ, उनका एसी काफ़ी ख़राब हो गया था एंड उस समय विंटर्स थे, तो हमने कुछ सोचा नहीं, बट नाउ बिकॉज समर स्टार्ट हो गया, सो आई एम जस्ट गोइंग क्विकली, क्विकली आई एम गोइंग मीटिंग हिम, ही इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम वर्क, तो मैं मॉम इन लॉ का ए सी फिक्स करके, मतलब फिक्स मतलब लेके वगैरह टाइप सब करके आती हूँ, और मोस्टली शायद आई विल सी कि अगर हम बाहर कुछ खा सकते हैं, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया, बस तब से काम में ही लगी हूँ। आज थोड़ा सा क्रिएटिव ज़्यादा थे मेरे मतलब क्लाइंट के, तो मुझे वो देने थे, सो दैट इज़ दैट। तो अभी मैं निकल रही हूँ, और फिर विजय हिल्स पहुँच जाऊँगी, फिर उसके बाद अपडेट देती हूँ क्या है, क्योंकि अभी एक्जैक्टली मुझे पता, क्योंकि दो मिनट पहले उसका फोन आया, जल्दी जल्दी करो, तो मैं जल्दी जल्दी करने लगी, और आपसे मिलती हूँ, मतलब आपके साथ ही रहती हूँ मैं पूरे दिन वैसे भी, सो आई सी यू। तो दोस्तों, हमने फाइनली मम्मी के लिए एसी ले लिया, और हमने इतनी ज़बरदस्ती घुस के एसी लिया है विजय सेल्स में कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि मेरे जो पति देव है वो कभी टाइम पे आते ही नहीं, उनको लगता है ही ओन्स द इंटायर वर्ल्ड, सो वो पहुंचे एंड वर्स गुड काइंड ऑफ दैट गाय कि उसने हमें आने दिया अंदर, और काइंड ऑफ दैट गाय जो उसने दो भैंसों को अंदर आने दिया, और अ बैड जोक। एनीवेज, सो हमने ले लिया एसी, कल मम्मी की आ रहा है शिवानी मैडम का कुछ तो फोन का काम है वो करने, और मुझे पता नहीं कि एकदम से बहुत तेज कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है, लाइक मैं बता ही नहीं सकती मैं क्या पीने का मन कर रहा है, बट कुछ ठंडा ड्रिंक टाइप्स पीने का मन कर रहा है। दोस्तों, हम घर आ गए, खूब सारा खाना खा चाबी नहीं मिल रही, तो ये देखिए शिवानी मैडम आएंगे, इनको कोई काम धंधा है ही नहीं, जब देखो तभी मेरे घर आ जाती है, इनका कहीं मन ही नहीं लगता है, ये देखिए। घर के अंदर जाओ, ये कौन सी बात होती है? I'm home. और मेरा मस्कारा ऑफ में फैल गया, ये कलर बार का बड़ा मस्कारा फैल बहुत जाता है, जो भी कह लो, कलर बार वाले लोग अगर सुन रहे तो कुछ करे, वैसे लगाया तो मैंने सुबह था, काफी फैल गया। I will see. That's all for today, you guys. We are home and I've done my skincare, जो usually सारा रहता है routine, अब आपको पता ही होगा। I'm just gonna go to bed now, and tomorrow I'm planning to take it little easy. I'm not too sure I'll be able to take it because few deliveries are still there, but देखते हैं। But आज जो बहुत important काम था वो हो गया, एक mom का एसी का, एंड दो तीन चीज़ें और थी जो हमने कर ली, सो या दैट इज़ दैट। आई विल सी यू टुमारो इन न्यू ब्लॉग, दैट्स ऑल प्रोबेबली नाउ, सो या टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ,
I will see you tomorrow in a new blog. And if anyone new watching me for the first time, hi, I'm Preeti. I make blogs. I blog my life. My blogs are consist of beauty, fashion and lifestyle. So please take a few seconds to subscribe to my channel and hit the bell icon for all the notification. And I will see you tomorrow in a new blog. Till then, please take care of yourself. Have a good night. Sleep. I will see you.